आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको चने की दाल से मिठाई बनाकर दिखाएंगे। हमारी चने की दाल है 300 ग्राम, हमने इसको भिगो दिया था, ओवरनाइट भिगी हुई दाल है ये, चाहे तो आप 4 से 5 घंटे में भिगो सकते हैं। और ये हमने 250 ग्राम शक्कर ली है पिसी हुई। ये दाल को हम पीस लेंगे ग्राइंडर में, और बहुत महीन नहीं पीसेंगे, हल्का से मोटा ही पीसेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए दाल हमने पीस ली, बहुत महीन नहीं किया है, लेकिन ठीक है, ज्यादा मोटा भी नहीं। इस तरीके से पैन ले लेंगे हम। ये हमने मेजरमेंट कप से, अरे आधा कप है ये, हमने लिया है इसमें रिफाइंड। और यदि आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अब इसमें लास्ट में हम 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। और ये चाय वाली जो चम्मच होती है वो 8 चम्मच पड़ेगा इसमें रिफाइंड। हमने भी रिफाइंड ही यूज किया है। देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने दाल पीसी है उसको डाल देंगे, और बिल्कुल धीमी धीमी फ्लेम पर इसको भूनते हुए एकदम गोल्डन ब्राउन कर देंगे दाल को। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, आपके सपोर्ट से ही तो हमारा चैनल बढ़ेगा। प्लीज वीडियो आखिर तक जरूर देखा करें, फुल वीडियो वॉच करेंगे तभी तो हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसी स्टेज पर हम इसमें चीनी डाल देंगे। यदि आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें कम चीनी डालें, और ज्यादा खाना चाहते हैं तो इसमें चीनी आप बढ़ा सकते हैं। अब आप गैस को बिल्कुल धीमा कर दीजिए, जब तक ये चीनी पिघल ना जाए धीमी आंच पर ही इसको आप चलाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मेल्ट हो गई है हमारी जो चीनी थी। इसीलिए हमने बताया है कि आप पीस कर डालेंगे तो बहुत सहज रहेगा बनाने में। 2 चम्मच दूध में हमने फूड कलर ऐड किया है, बस आप 2 से 1 चम्मच दूध ले लीजिए, उसी में फूड कलर ऐड कर दीजिए। यदि आपका मन है डालने को तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं है, फूड कलर ऑप्शनल है। अब इसको ठीक से थोड़ा सा भून दीजिए। हमने ये 6 से 7 बादाम और 4-5 काजू कूट करके इसमें डाल दिए। कूट करके डालने से क्या रहेगा, छोटे छोटे टुकड़े जब मुंह में पड़ते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप और भी मेवा डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहें, लेकिन इसका जो मेन टेस्ट है वो काजू बादाम और खरबूजे के बीच से ही है। आप इसमें कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 80 ग्राम दूध मिल्क पाउडर लिया है, इसको भी आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालकर इसको ऐड कर देंगे, इसको हम ठीक से मिक्स कर देंगे आपस में। देखिए हमारा बिल्कुल ठीक से पाउडर मिक्स हो गया है मिल्क पाउडर, फिर इसको जमाएंगे। यदि आप चाहें तो इस जगह पर खोया भी यूज कर सकते हैं, और घर में खोया बना के भी इसको बना सकते हैं। किसी भी तरीके से हमने आपको बता दिया है, आप जो भी इसमें ट्रिक लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी बनने वाला है, आपके घर में दाल पच जाए। कभी ऐसा होता है कि हमने दाल भिगोई कोई कढ़ी वगैरह बनाने के लिए तो बचती है दाल, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इसी तरीके से। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, एक तो ये हेल्दी है। अब हम इसमें लास्ट में जब ये भून जाएगा बिल्कुल, तब हम 1 चम्मच घी इसमें डाल देंगे। और यदि आपने घी में ही बनाया है तब तो आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आपने घी में नहीं बनाया तो खुशबू के लिए लास्ट में थोड़ा घी जरूर डाल लें। हमारा बनकर रेडी हो गया, गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम जमाएंगे इसी पैन बर्तन में। इस तरीके से कोई भी हम रिफाइंड ऑयल या घी ट्रे में लगा लेंगे। लगाने के बाद में इसको हम अच्छी तरीके से जमा देंगे इसे। ये देखिए, पहले इसको सब इसमें डाल देंगे, एक साथ ही जमाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको जमा दिया है। यदि हम पूरे ट्रे में कर देते तो ये पतली हो जाती। आपको मोटा जमाना है तो आप इसी तरीके से हम इसको खरबूजे के बीच से सजाएंगे। खरबूजे के बीज आप जो है हल्का सा इनको रोस्ट जरूर कर लें, जिससे इनका सौंधापन बढ़ जाएगा, इसमें जो खुशबू है बहुत अच्छी आने लगेगी। एक बार आप बनाइएगा जरूर ये मिठाई, फिर आप देखें कोई भी ज्यादा लागत नहीं लगती है, घर की चीजों से बन जाएगी। और मेवा वगैरह तो सब ऑप्शनल होते हैं, जो आपके घर में है वो आप डालें, कहीं बाहर पेश करनी है तो आप मेवा का यूज ज्यादा कर लें।
ये तो सब अपने घर की चीजें हैं, घटा बढ़ा सकते हैं आप लोग। इन चीजों में कोई दबाव नहीं है कि आपको इतना ही डालना है या इसी तरीके से इतनी ही मेवा का यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग कभी घर में बनाते हैं तो जल्दी जल्दी में अपना ऐसे ही बना के हलवा जैसा खा लेते हैं। आप इस तरीके से कतली ना जमाए तो इसका हलवा बना के खा लें। बस थोड़ा सा इसको कम फ्राई कीजिए, हलवा हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से प्रेशर जरूर डाल दें, नहीं तो आपके सारे बीज गिर जाएंगे। अब इसको ठंडा होने पर हम काट लेंगे। ठंडा हो गया, अभी हल्का सा गुनगुना सा गर्म है। अब हम इसको कट करते हैं। जिस हिसाब से आप बड़ी छोटी पीसेस चाहिए आप कट कर लीजिए। देखिए हमने कट कर लिए पीसेस। आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी ये मिठाई बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइए और खाइए। ना तो ये नुकसान करेगी और ना ही इसमें कोई बाहरी चीजें पड़ी हैं। घर में दाल भिगोइए और बनाइए, टेस्टी भी है और हेल्दी भी।